आज का पहले क्लास है 20/10/68 की वाणी। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज द वाणी डेटेड 20/10/68। ये वाणी जो सुनाई जा रही है वो कहाँ चली थी? दिस वाणी विच इज बीइंग नरेटेड, वेयर वॉज इट नरेटेड? और ये वाणी पहले पहले किसने सुनाई? एंड हु नरेटेड दिस वाणी फर्स्ट ऑफ ऑल? इस वाणी को कहा जाता है मुरली। दिस वाणी इज कॉल्ड मुरली। कोई को नहीं मालूम? माउंट आबू में डजंट एनीवन नो इट? समवन सेड एट माउंट आबू। कौन बोला? हु सेड इट? आपसे पूछा जा रहा है। टू द स्टूडेंट हु रिप्लाइड, आर यू बीइंग आस्क्ड अबाउट दिस? जिनके लिए क्लास हो रहा है उनसे पूछा जा रहा है। इट इज बीइंग आस्क्ड टू दोस फॉर होम द क्लास इज गोइंग ऑन। ये वाणी माउंट आबू में दादा लेख राज जो कलकत्ते के हीरे के व्यापारी थे उनके मुख से चलाई गई। दिस वाणी वॉज नरेटेड एट माउंट आबू थ्रू द माउथ ऑफ दादा लेखराज हु वॉज अ मर्चेंट ऑफ डायमंड्स एट कैलकटा। और उनका नाम रखा गया ब्रह्मा। एंड ही वॉज नेम्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा के मुख से जो वाणी चलाई गई, द वाणी विच वॉज नरेटेड थ्रू द माउथ ऑफ ब्रह्मा, उसको शास्त्रों में नाम दिया है वेद वाणी। इज नेम्ड वेद वाणी इन द स्क्रिप्चर्स। शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा के मुख से वेद वाणी निकली। इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स द वेद वाणी केम आउट ऑफ द माउथ ऑफ ब्रह्मा। आज से 5000 वर्ष पहले भी निकली थी। इट इमर्ज्ड 5000 ईयर्स अगो एज वेल। और 5000 वर्ष के बाद अभी फिर वही वाणी ब्रह्मा के मुख से किसने सुनाई? And who narrated that vani again through the mouth of Brahma after 5000 years now? दादा लेख राज तो मुख है सुनाने वाला। Someone said, दादा लेख राज। दादा लेख राज is the mouth which narrates. मुख है लेकिन उस वाणी को सुनाने वाली आत्मा शिव है। He is the mouth, but it is the soul of Shiv who narrates that vani. ब्रह्मा या दादा लेखराज नहीं है। It is not Brahma or दादा लेखराज। तो आते ही पूछा। Therefore, he asked as soon as he came. शिव बाबा ने ब्रह्मा में तन में प्रवेश किया और आते ही पूछा। शिव बाबा entered the body of Brahma and asked as soon as he came. इन आँखों से भल दादा को देखते हो? Although you see दादा through these eyes. दादा माने दादा लेखराज। दादा means दादा लेखराज। परंतु बुद्धि से याद शिव बाबा को याद करते हो? Do you remember शिव बाबा through the intellect? देखते हो किसको? Whom do you see? ब्रह्मा दादा लेखराज को। लेकिन याद किसको करते हो उसमें? ब्रह्मा दादा लेखराज, बट होम डू यू रिमेम्बर इन हिम? शिव बाबा को कैसे याद करेंगे? शिव बाबा, हाउ विल यू रिमेम्बर हिम? शिव बाबा को कभी देखा है? हैव यू एवर सीन शिव बाबा? देखा तो नहीं है, तो ब्रह्मा में शिव बाबा को कैसे याद करेंगे? यू हैव सर्टेनली नॉट सीन हिम, देन हाउ विल यू रिमेम्बर शिव बाबा इन ब्रह्मा? मन और बुद्धि से।
कोई में भूत प्रेत आता है। A student, through the mind and intellect, when a ghost or spirit enters someone, कोई की आत्मा आती है, पितर आते हैं। When someone's soul, the pitar, meaning ancestors, enters someone, तो कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई। They say, the soul of our father has come. तो बाप को देखा है, तो बुद्धि में याद आ जाता है बाप ऐसा ऐसा था, इसके तन में वो आत्मा आ गई। So, since they have seen the father, it comes in their intellect. Father was like this and this. That soul has come in this one's body. तो शिव बाबा को याद करते हो इसके तन में। Therefore, do you remember Shiv Baba in the body of this one? तो शिव कैसा है? So, how is Shiv? निराकार माने निराकार है, ढेर सारे। Student said निराकार meaning incorporeal. निराकार means is it निरे आकार? Does it mean a lot of them? That is shapes. एक दो आकार नहीं है। Are there not one or two shapes? निराकार माने क्या? बिंदु। What does निराकार mean? Someone said a point. A point. ठीक है। All right. तो मुझे बिंदु को याद करो। So, remember me, the point. कौन याद करे? Who should remember me? तुम बिंदु बिंदु आत्माएं। You point like souls. हम सब कौन है? Who are we all? है? आत्मा? Souls. कैसा रूप है? What is our form? बिंदु। A point. कोई कैसे माने कि बिंदु रूप है? How will someone believe that we have the form of a point? देखने में तो आंखें दिखाई पड़ती। What we can see is the eyes. बिंदु कहाँ है? Where is the point? बिंदु इतना बड़ा नहीं है जो इन आंखों से दिखाई पड़े। The point is not so big that it can be seen through these eyes. क्या? आत्मा इतनी बड़ी नहीं है जो इन आंखों से दिखाई पड़े। What? The soul is not so big that it can be seen through these eyes. जो गीता पढ़ते हैं लोग घरों में। The Gita, which people read at homes. उस गीता में भी लिखा हुआ है। अणु अणियां स मनुस्मरेति अणु से भी अनुरूप आत्मा है। It has been written in that Gita too. अणु अणियां सम अनुस्मरेत्य। The soul is minuter than even an atom. वो अणु आत्मा भ्रकुटी के मध्य में जहाँ बिंदी लगाते हैं वो यादगार है बिंदी। That minute soul is the memorial of the bindi, meaning dot that is applied between the two eyebrows. वो आत्मा बिंदु है। That soul is a point. हमारी सबकी आत्मा बिंदु 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 भ्रकुटी में बैठी हुई है। The point like soul of all of us is situated between the two eyebrows. वो भ्रकुटी आत्मा अपन को याद करते हुए उस आत्मा का कोई तो बाप होगा। While remembering ourselves as a soul situated between the two eyebrows, there will certainly be some father of that soul. होगा? Will there be a student? There will certainly be one. ये देह का बाप तो है। This body has a father anyway. देह के बाप को देहधारी बाप ने पैदा किया। A bodily father gave birth to the father of the body. तो आत्मा का बाप कौन है? Then who is the father of the soul? आत्मा का बाप भी आत्मा ही जैसा होगा। The father of the soul also will be in the form of the soul. चींटी का बाप चींटी जैसा? The father of an ant will have the form of an ant. हाथी का बाप हाथी जैसा? सांप का बाप सांप जैसा लंबा? The father of an elephant will have the form of an elephant. The father of a snake will be long as a snake. तो बिंदु आत्मा का बाप भी बिंदु ही होगा। Therefore, the father of the point soul will also be
अ पॉइंट इन डीड। और वो बिंदु बाप इस सृष्टि पर इसलिए आते हैं। एंड दैट पॉइंट फादर कम्स टू दिस वर्ल्ड बिकॉज कि हम सब जब भूल जाते हैं हम कौन हैं, वो बताने के लिए आते हैं। When we all forget who we are, he comes to tell us what we are. आज दुनिया में कोई से पूछो तुम कौन हो, तो कोई बता मैं डॉक्टर हूँ। Ask anyone in the world today who they are. Someone will say, I am a doctor. दूसरा बताएगा मैं मास्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। Someone else will say, I am a master. I am an engineer. मैं किसान हूँ। I am a farmer. कोई कहेगा मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं बुड्ढा हूँ। Someone will say, I am a girl. I am a boy. I am a man. I am an old man. यही तो जवाब देगा। ये कोई नहीं कहेगा मैं आत्मा हूँ। This is the answer they will give. No one will say, I am a soul. ये बाप आकर बताते हैं, ये तो तुमने शरीर के नाम बता दिए। The father comes and says this. These are the names of the bodies that you mentioned. क्या? What? शरीर ने डॉक्टरी की उपाधि ले ली तो तुम डॉक्टर कहने लगे। The body achieved the title of doctor, then you started calling yourself a doctor. पढ़ करके इंजीनियरिंग की उपाधि ले ली तो इंजीनियर कहने लगे। After studying, you received the title of an engineer. Then you started calling yourself an engineer. जब पैदा हुए थे तो इंजीनियर थे। Were you an engineer when you were born? Students, no. डॉक्टर थे? बुढ़ा थे? नहीं। Were you a doctor? Students, no. Were you an old man? Someone said, no, no. तो क्या थे? Then what were you? आत्मा तब भी थे और आत्मा अभी भी है। You were a soul then, and you are a soul now as well. तो हम ज्योतिबिंदु आत्मा हैं। So we are a point of light soul. ये ज्योतिबिंदु आत्मा अपन को समझते हुए आत्मा के बाप को याद करो। Considering ourselves to be the point of light soul, remember the father of the soul. अर्थ सहित याद करो। Remember him meaningfully. क्या अर्थ है? What is the meaning? मैं आत्मा ज्योतिबिंदु, मेरा बाप शिव ज्योतिबिंदु। I, the soul, am a point of light. My father Shiv is a point of light. उनकी आत्मा बिंदी का ही नाम शिव है। The name of his soul, his point itself is Shiv. औरों के नाम शरीर पर होते हैं। The name of the others are based on their body. इसके शरीर का नाम कुछ और, इसके शरीर का नाम कुछ और, इसके शरीर का नाम कुछ और। The name of this one's body is different. The name of that one's body is different. And the name of this one's body is different. ये शरीर के ऊपर नाम है, लेकिन भगवान का नाम शरीर पर नहीं होता। These are the names based on the body. But the name of God is not based on the body. उनकी आत्मा का नाम किस चीज पर है? The name of his soul is based on what? उनकी आत्मा का ही नाम है, वो नाम शिव है। His soul itself has a name. That name is Shiv. वो बिंदु है, वो शरीर नहीं है। He is a point. He is not a body. मनमना भव, मध्यादि भव, गीता में अक्षर आया है। मन मना भव, मध्याजी भव, दीज वर्ड्स आर मेंशन्ड इन द गीता। उसका अर्थ भी यही है। एंड द मीनिंग ऑफ इट इज प्रिसाइसली दिस। क्या? व्हाट? मेरे मन में समा जा। मर्ज इन माय माइंड। मन मना भव अर्थात मेरे मन में समा जा। मेरे मन में क्या है? मन मना भव मीन्स Merge in my mind. What is there in my mind? शिव कहने वाला मेरे मन में समा जा। शिव इज द वन हु सेज मर्ज इन माई माइंड। तो शिव के मन में क्या है? देयरफोर व्हाट इज इन शिव्स माइंड? अपना स्वरूप है।
बाबा सेज इट पॉइंटिंग एट द सेंटर ऑफ हिज फोरहेड, देर इज हिज फॉर्म. उनका अपना स्वरूप क्या है? वॉट इज हिज फॉर्म? ज्योति बिंदु, अ पॉइंट ऑफ लाइट. तो तू भी अपने मन में समझ. सो यू टू असिमिलेट दिस फैक्ट इन योर माइंड. जो मेरे मन में है कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, तो तुम्हारे अंदर भी यही बात समा जाए कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु. वॉट देर इज इन माई माइंड, आई द सोल एम अ पॉइंट ऑफ लाइट. सो यू टू शुड असिमिलेट द सेम थिंग विद इन यू. आई द सोल एम अ पॉइंट ऑफ लाइट. मध्याजी भव. मध्याजी भव, याजी माने यजन करने वाला, कर्म करने वाला. याजी मीन्स द वन हु सैक्रिफाइसेस, यजन द वन हु परफॉर्म्स एक्शंस. मत माने मेरे. मत मीन्स माइन. मेरे लिए कर्म करने वाला वन. बिकम द वन हु परफॉर्म्स एक्शंस फॉर मी. अर्थात स्वार्थ के लिए जिंदा न रहे. मीनिंग डोंट बी अलाइव फॉर सेल्फिशनेस. किसके लिए जिंदा रहे? मेरे लिए जिंदा रहे. यू शुड रिमेन अलाइव फॉर हुम? यू शुड रिमेन अलाइव फॉर मी. मैं जो चलाऊं वैसे चल, मैं जो कराऊं वैसे कर. मूव द वे आई मेक यू मूव. डू वॉट आई मेक यू डू. मैं इस सृष्टि को नया बनाता हूँ. आई मेक दिस वर्ल्ड न्यू. दुनिया में बड़े बड़े आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, गांधी जी, विवेकानंद, कोई ने दुनिया को नया नया नहीं बनाया. मेनी बिग पर्सनैलिटीज लाइक एब्राहम, बुद्धा, क्राइस्ट, गुरु नानक, गांधी जी, विवेकानंद केम इन द वर्ल्ड. नोबडी मेड द वर्ल्ड न्यू. मैं आता हूँ तो पुरानी दुखदाई दुनिया को नया बनाता हूँ. When I come, I make the old sorrowful world new. तो शिव बाबा को याद करना और बेहद सुखी राजाई को याद करना. Therefore, remember Shiv Baba and remember the kingship of the unlimited happiness. वो बेहद सुखी की राजाई मैं स्थापन करता हूँ. I establish the kingship of the unlimited happiness. मनुष्य तो राजाओं को भी खत्म कर देते और राजाओं की राजाई भी खत्म हो गई. The human beings, they finish the existence of the kings and the kingship of the kings also has finished. अब किसका राज्य? Now, whose kingdom is it? प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है दुनिया. There is the rule of the subjects over the subjects in the world. पहले दुनिया में किसका राज्य होता था? Whose kingdom existed in the world earlier? राजाओं का राज्य होता था. वो राजाओं का राज्य किसने स्थापन किया था? There used to be the kingdom of the kings. Who had established that kingdom of the kings? भगवान ने स्थापन किया. God had established it. भगवान राजयोग सिखा करके राजा ही स्थापन करते हैं. God teaches राजयोग and establishes the kingship. राजाओं का राज्य बनाते हैं. He establishes the kingdom of kings. वो राजा अब मैं तुमको बनाने आया. Now I have come to make you that king. क्या बनना है? What do you have to become? नर से नारायण जैसा राजा बनना है और नारायणी लक्ष्मी जैसी नारी बनना है. You have to become a king like Narayan from a man and You have to become a woman like Narayani, Lakshmi. क्या लक्ष्य दिया मनुष्य जीवन का? What aim did he give for the human life? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी. To become Narayan from a man and Lakshmi from a woman. और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ. I don't give you any other trouble. निरोगी भी बन जाएंगे. You will also become disease free. ये राजयोग सीखेंगे. कौन सा राजयोग? इफ यू लर्न दिस राजयोग, विच राजयोग? अपन को बिंदु आत्मा समझ, मुझ बिंदु बाप को याद करेंगे तो से तुम निरोगी भी बन जावेंगे. इफ यू कंसिडर योर सेल्फ टू बी अ पॉइंट सोल एंड रिमेम्बर मी द पॉइंट फादर,
यू विल ऑल्सो बिकम डिजीज फ्री थ्रू इट। तुम्हारी शरीर में देह में जो ढेर के अनेक प्रकार के ढेर रोग भरे पड़े हैं वो सब रोगों का निराकरण हो जाएगा। The many various kinds of diseases which are loaded in your body, all those diseases will be removed. तो निरोगी भी बनेंगे और डबल सिर ताजी भी बनेंगे। Therefore, you will become disease free as well as double crowned. विश्व का मालिक बनना है। You have to become the master of the world. तो ये बात बुद्धि में जरूर याद रखना है। Therefore, you should certainly keep this in your intellect. क्या? What? कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। That I, the soul, am a point of light. मेरा बाप शिव ज्योति बिंदु है और वो बाप हमें सुख का वर्षा नई दुनिया देने के लिए आया हुआ है। My father Shiv is a point of light, and that father has come to give us the inheritance of happiness, the new world. अच्छा बच्चों, 15 मिनट याद करो। All right, children, remember Baba for 15 minutes. सब याद में बैठ गए। All sat in remembrance. एवर निरोगी बनने के लिए याद करके तुम बच्चे सतो प्रधान बने थे। You children became Sato Pradhan through remembrance to become ever disease free. Sato Pradhan, consisting in the quality of goodness and purity. क्योंकि तुम जब अपनी राजधानी में थे तो सतो प्रधान भी थे और निरोगी भी थे। It is because when you were in your capital, you were Sato Pradhan as well as disease free. तुम्हारी काया कंचन थी। कंचन माने सोना। Your body was like kanchan. Kanchan means gold. सोने की तरह मूल्यवान तुम्हारी काया थी। इसमें कोई भी प्रकार का कोई डिफेक्ट कोई बीमारी नहीं थी। Your body was precious as gold. There wasn't any kind of defect, any disease in it. तो ऐसा 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। Therefore, you have to become disease free like this. For 21 births, 8 जन्म सतयुग में और 12 जन्म त्रेतर। That is 8 births of the golden age, 12 births of the silver age, और एक जन्म इस संगम युग में, and 1 birth of this confluence age. अगर राजयोग सीखते रहे, निश्चय बुद्धि बने रहे। If you keep learning राजयोग, remain the one with a faithful intellect. बीच में टूटने गए क्यों दूसरों की बातों में नहीं आ गए तो क्या रिजल्ट होगा। इफ यू डोंट ब्रेक अवे फ्रॉम नॉलेज इन बिटवीन, इफ यू डोंट कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स वर्ड्स, व्हाट विल बी द रिजल्ट। कि तुम इसी जन्म में निरोगी कंचन काया वाले बन जाओगे। यू विल बिकम द वन विद द डिजीज फ्री गोल्डन बॉडी इन दिस वेरी बर्थ। एक जन्म ये 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता के, टोटल मिला के 21 जन्म तुम निरोगी बने रहे। दिस प्रेजेंट वन बर्थ, 8 बर्थ्स इन द गोल्डन एज, 12 बर्थ्स इन द सिल्वर एज, इन टोटल यू विल रिमेन डिजीज फ्री फॉर 21 बर्थ्स। इतनी सहज बातें बतलाता हूँ। आई नरेट सच इजी टॉपिक्स। कोई दवाई आदि भी करने की बात नहीं है। There is no question of taking any medicine etc. either. क्या? What? पहले तो डॉक्टर नहीं था। है? पहले डॉक्टर ही नहीं था। A student, earlier there wasn't any doctor at all. पहले डॉक्टर थे, वैद्य कहा जाता था। There were doctors earlier. They were called Vaidya, meaning an Ayurvedic doctor. हाँ, पहले किताबें भी थी डॉक्टरी की। Someone said something. Yes, there were also the books on medicine earlier. लेकिन ये सब डॉक्टरी की किताबें आदि द्वापर युग में बनी। But all these books on medicine etc. were written in the copper age. सतयुग त्रेता में कोई किताबें डॉक्टरी की नहीं होती, डॉक्टर ही नहीं थे। There are no books on medicine in the golden and silver ages. There were no doctors at all.
दवाइयां भी नहीं होती थी। देयर यूज्ड टू बी नो मेडिसिन ईदर। तो बाप अविनाशी सर्जन है। सो द फादर इज द इम्पेरिशेबल सर्जन। वो सर्जन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, हकीम होते हैं, आज जिंदा हैं, कल मर जाएंगे। Those surgeons, doctors, vaidyas, hakims are alive today. Tomorrow they will die. और ये सर्जन? And this surgeon? ऐसा सर्जन है जो तुमको ऐसी दवाई दे करके जावेंगे कि तुम 21 जन्म कभी भी निरोगी, वो रोगी नहीं पड़ेंगे। He is such a surgeon who will give you such medicine that you will never fall ill for 21 births. रोग आगे आवेगा ही नहीं। You will never become sick again. कितनी सहज युक्ति बतलाते हैं। He gives you such an easy idea. सिर्फ कहते हैं अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करने से तुम ever wealthy बन जाएंगे। He just says, by considering yourself to be a soul and remembering the father, you will become ever healthy and ever wealthy. कहाँ के लिए बन जाएंगे? For where will you become this? आने वाली नई दुनिया के लिए तुम आत्माएं एवर हेल्दी बन जाएंगी, एवर वेल्दी बन जाएंगी, वहाँ धन भी बहुत अतिचार होगा। यू सोल्स विल बिकम एवर हेल्दी, यू विल बिकम एवर वेल्दी फॉर द कमिंग न्यू वर्ल्ड। वेल्थ विल आल्सो बी अबंडेंट देयर। इस संगम युग पर ही तुम अमर पद पाते हो। यू अटेन द इमॉर्टल स्टेटस इन दिस कॉन्फ्लुएंस एज इटसेल्फ। वहाँ कोई रोग बीमारी आदि कुछ भी नहीं होगा। There won't be any disease etc. there. सतोप्रधान दुनिया होती है ना? It is a सतोप्रधान world, isn't it? सब निरोगी होते हैं। All are disease free. वहाँ कोई भी आत्मा रोग वाली नहीं होगी। There will be no soul having diseases there. तो बाप तुम बच्चों को 100% healthy बनाते हैं। So the father makes you children 100% healthy. तो ऐसे बाप को कितना खुशी से याद करना चाहिए। Therefore, you should remember such a father so happily. और हर्षित मुख होकर के याद करना चाहिए। And you should remember him with a cheerful face. क्या? What? रो रो के याद नहीं करना चाहिए, बाबा हमको ये दुख है, बाबा हम ये परेशानी में हैं, हम वो परेशानी में, नहीं। You should not remember him crying, Baba, we have this sorrow, Baba, we are in this trouble, we are in that trouble. No. ये जो परेशानियाँ हैं, वो रोने से खत्म होने वाली नहीं हैं। These troubles are not going to end by crying. क्योंकि पूर्व जन्म का जो हिसाब किताब हमने बांधा है, वो तो हमको ही काटना पड़ेगा। It is because we ourselves will have to cut the karmic accounts. Which we have made in the previous births. तो हर्षित मुख होकर के रहना चाहिए। Therefore, you should keep a cheerful face. बाप गारंटी देते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारे जो भी पाप हैं। The father guarantees, sweet children, all your sins. जिन पापों के कारण तुम इस जन्म में दुखी होते आए हो। The sins because of which you have been sorrowful in this birth. वो सारे पाप इस योग अग्नि से तुम्हारे भस्म हो जाएंगे। All those sins of yours will be burnt to ashes by this fire of yoga. एक ही जन्म में सारे पाप भस्म हो जाएंगे। All the sins will be burnt to ashes in just one birth. 5,000 वर्ष पहले भी तुम निरोगी बने थे। You became disease free 5,000 years ago as well. अनेक बार तुम निरोगी बने हो। यू हैव बिकम डिजीज फ्री मेनी टाइम्स। बाप ने स्मृति दिलाई है, पर उबर हम आत्माएं हर 5 वर्ष के बाद श्रीमत पर चरल एवर वेल्दी और हेल्दी बनते हैं। द फादर हैज रिमाइंडेड अस वी सोल्स ट्रूली बिकम एवर वेल्दी एंड एवर हेल्दी आफ्टर एवरी 5,000 years बाय फॉलोइंग द श्रीमत। सो भी जन्म जन्मांतर 21 जन्मों के लिए। That too, birth after birth for 21 births. जो अभी पुरुषार्थ कर पद पावेंगे, वो ही कल्प कल्प पाते रहेंगे। Those who attain a status by making purushartha, that is spiritual effort, now,
will keep attaining it kalp after kalp, that is, cycle after cycle. क्या अभी चूक गए तो 5000 वर्ष के बाद फिर चूक जावे? What? If you miss the chance now, you will miss the chance again after 5000 years. क्योंकि ये सारी सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है. Because the cycle of the entire world is of 5000 years. जिसका हिसाब भी बता सकते हैं. The account of it can also be given. आधे का तो हिसाब अभी सुन लिया क्या? You heard the account of half the kalp just now. What? सत्युग त्रेता आधा कल्प. The golden and silver ages make half the kalp. वहाँ सुखी ही सुख. There is happiness and only happiness there. और द्वापर कलयुग आधा कल्प दुख की दुनिया. And in the copper and iron ages, there is the world of sorrow for half the kalp. ये सुख का दुख का खेल 5000 वर्ष का नाटक है. This play of happiness and sorrow is a drama of 5000 years. जो हूबहू ज्यों का त्यों गुजरता है. Which repeats exactly as it is. 5000 वर्ष जब व्यतीत होंगे तो हम कहाँ बैठे होंगे? Where will we be sitting after 5000 years? यही बैठे होंगे. Someone said, here itself. We will be sitting here itself. किस रूप में बैठे होंगे? इसी रूप में, इसी चोले में बैठे होंगे. In which form will we be sitting? We will be sitting in this very form and this very body. क्या? What? इस चोले के अंदर जो मिट्टी है, ये मिट्टी भी 5000 वर्ष का चक्कर लगा करके और फिर आकर के ऐसी ही मिट्टी बन जाएगी. The soil in this body, this soil will also take a cycle of 5000 years and come and become the same soil again. उस मिट्टी के लौंदे में ये आत्मा प्रवेश करेगी. The soul will enter that lump of soil. कोई माता के गर्भ से ही प्रवेश हुआ होगा. The entrance will certainly have taken place in the womb of some mother. तो देखो कितना वंडरफुल ज्ञान बाप आकर के सुनाते हैं. So see what a wonderful knowledge the father narrates when he comes. अनेक बार तुम ये ज्ञान सुनते हो. You listen to this knowledge many times. अच्छी रीति योग लगावेंगे तो तुम पूरी रीति सजाओं से छूट जावेंगे. If you have yog in the right way, you will be completely free from punishments. अगर अच्छी रीति याद नहीं किया तो थोड़ी धर्मराज की सजाएं भी खानी पड़ेगी. If you don't remember the father in the right way, you will also have to suffer the punishments of Dharmaraj, the chief justice, a little. कल्प कल्पांतर फिर सजाएं खाते रहेंगे. Then you will keep suffering punishments kalp after kalp. अगर अभी पूरा योग नहीं लगाया तो 5000 वर्ष के बाद फिर योग नहीं लगावेंगे. If you don't have complete yog, that is connection now, you will not have yog after 5000 years again. उसका रिजल्ट होगा फिर सजाएं खावेंगे. The result of this will be that you will suffer punishments again. फिर 5000 वर्ष के बाद फिर सजाएं खावेंगे. You will suffer punishments again after 5000 years. माने हर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही क्रम चलता रहेगा. तो क्या करना चाहिए? It means the same sequence will go on after every 5000 years. So what should you do? मार नहीं खाना चाहिए. अच्छी तरह जो कुछ करना हो सो अभी कर मरो. Someone said you should not suffer beatings. You should not suffer beatings. Whatever has to be done, do it properly now itself and die. बाप एक सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते. The father gives the inheritance of liberation and liberation in life in a second. बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकला और बाप के वर्षे का हकदार बना. As soon as a child comes out of the womb of the mother, it becomes entitled to the father's inheritance. तुम भी अभी हकदार बनने आए हो. So you too have come to become entitled now. क्या? What? अब भट्टी तो कर ली ना. You have done the bhatti now, haven't you?
वहां 9 महीने की भट्टी होती है पेट में, फिर बच्चा पैदा होता है, बाप के वर्षे का हकदार बनता है। There it is the bhatti for 9 months in the womb. Then the child is born and becomes entitled to the inheritance of the father. यहाँ 9 दिन के अंदर सारा काम पूरा हो गया। Here everything is completed within 9 days. ये वेद की भट्टी है। This is the unlimited bhatti. 9 दिन के अंदर तुमने समझ लिया ये हमारा बाप है और हम इसके बच्चे। Within 9 days you understood. This is our father and we are his children. बाप 1 सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। The father gives the inheritance of liberation and liberation in life in a second. बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकला वर्षे का हकदार बन जाता है ना? As soon as a child comes out of the womb of the mother, it becomes entitled to the inheritance, doesn't it? उसमें बच्चे और बच्चियाँ दोनों होती हैं। It is for both sons and daughters. यहाँ तो तुम सभी बच्चे हो बाप के। Here you all are the sons of the father. आत्मा आत्मा क्या हुए? आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई। What are the souls for each other? The souls are mutually brothers. बाप को पहचाना और स्वर्ग का वर्षा पाई। You recognized the father and received the inheritance of heaven. फिर है पुरुषार्थ करने के ऊपर। Then it depends on the purushart you make. Purushart unch karenge to unch pad paavenge. If you make high purushart, you will achieve a high status. Jitna yad ki yatra mein jaasti rahenge, utna unch pad paavenge. The more you remain in the journey of remembrance, the higher the status you will attain. Aur koi takleef nahi dete hain. He does not give you any other trouble. पढ़ने के लिए कोई यहाँ किताब आदि भी तुमको नहीं दी जाती है। Here you are not given any book and so on to study either. वहाँ तो स्कूलों में कितनी किताबों का गट्ठर है। There is a bundle of so many books to study there in the school. कक्षा 1, 2, 3 का स्कूल का विद्यार्थी होगा उसकी पीठ में गधे की तरह ढेर सारी किताबें लदी हुई होंगी। Many books will be loaded on the back of a student studying in class 1, 2 or 3 like a donkey. और तुमको तो बाप कोई किताब इताब आदि की दरकार भी नहीं बताते हैं। And the father says, you don't need any books etc. at all. हाँ, पढ़ने के लिए तुम्हारे पास किताबें भी नहीं देते हैं। He does not give you any books to study either. कोई बोझ नहीं। There is no burden. इसको कहा जाता है ज्ञान और विज्ञान। This is called ज्ञान, knowledge, and विज्ञान, special knowledge. ज्ञान, knowledge, जो 5000 वर्ष का चक्र है, उसका ज्ञान। The knowledge of the cycle of 5000 years. तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी, वो ज्ञान। To know the story of your 84 births is knowledge. और विज्ञान क्या है? याद। And what is विज्ञान? Remembrance. भगवान की जो याद है, वो है विज्ञान। The remembrance of God is विज्ञान। वास्तव में सच्चा सच्चा ज्ञान विज्ञान भवन तो ये है। Actually, this is the true ज्ञान विज्ञान भवन, that is center of knowledge and science. वो तो दिल्ली में उन्होंने ईंटों का बनाया हुआ है, पत्थरों का ज्ञान विज्ञान भवन। They have made the ज्ञान विज्ञान भवन of bricks and stones in Delhi. वास्तव में उसमें ज्ञान और विज्ञान की कोई बातें नहीं है। Actually, there is nothing about ज्ञान and विज्ञान there. वो तो सिर्फ नाम मात्र है, गवर्नमेंट का बनाया हुआ ज्ञान विज्ञान भवन, जहां अनेक भाषाओं में लेक्चर होते रहते हैं। That ज्ञान विज्ञान भवन made by the government, where lectures in various languages are given, is just for namesake. तुम तो उस अमरपुरी में जाते हो, जहाँ दुनिया में एक ही भाषा होगी, एक ही राज्य होगा, एक ही राजा होगा, एक ही कुल होगा और एक ही मत होगा। You go to that Amarpuri, abode of immortality, where there will be only one language, one kingdom, one king, one family and one opinion in the world.
तो फिर आपस में झगड़ा होगा? झगड़ा होने का सवाल ही नहीं। देन विल देयर बी फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर? स्टूडेंट्स, नो, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फाइट्स एट ऑल। वहां एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। देयर विल बी जस्ट वन किंगडम ऑफ दीस लक्ष्मी नारायण। दूसरा कोई खंड वहां था ही नहीं। देयर वॉज नो अदर लैंड देयर एट ऑल। एक ही भारत खंड था। देयर वॉज ओनली द लैंड ऑफ भारत, इंडिया। भारत को सच खंड और दुनिया को झूठ खंड कहते हैं। भारत इज कॉल्ड द लैंड ऑफ ट्रुथ एंड द वर्ल्ड इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फॉल्सहुड। ये भारत भी झूठ खंड बन जाता है। दिस भारत ऑल्सो बिकम्स अ लैंड ऑफ फॉल्सहुड। ये भारत फिर भी अविनाशी खंड है। इवन सो दिस भारत इज एन इम्पेरिशेबल लैंड। झूठ खंड बनता है तो भी इसका विनाश नहीं होता। ऑल्दो इट बिकम्स द लैंड ऑफ फॉल्सहुड इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड। और सच खंड है तब तो है ही अविनाशी। एंड व्हेन इट इज द लैंड ऑफ ट्रुथ इट इज सर्टेनली इम्पेरिशेबल। शास्त्रों में दिखाया है कि महाप्रलय हो जाती है। इट इज शोन इन द स्क्रिप्चर्स दैट अ ग्रेट प्रलय टेक्स प्लेस। प्रलय means dissolution of the world at the end of the kalp. परंतु ऐसी महाप्रलय तो कब होती नहीं है जो भारत खंड भी खत्म हो जाए। But such a great pralay never takes place so that even the land of Bharat would be destroyed. क्या? What? भारत खंड तो सदैव रहता ही है। The land of Bharat certainly exists forever. हाँ, कभी छोटा रूप है और कभी बड़ा रूप हो जाता है। Yes, sometimes it is in a small form and sometimes it becomes big. बाकी सभी खंड विनाश को पाते हैं। All the other lands are destroyed. चाहे वो अमेरिका हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये सब समुद्र में डूब जावेंगे, समाये जावेंगे। Whether it is America, Africa, Europe, Australia, all these will sink in the ocean. They will be submerged. इसके लिए तैयारियां भी देख रहे हैं। You can also see the preparations for this. क्या तैयारियां हो रही हैं? What preparations are taking place? Atom bomb बना के रख लिए हैं। Atom bombs have been made and stored. कहते हैं शंकर द्वारा विनाश होता है। It is said that destruction takes place through Shankar. तो शंकर के नाम के साथ साथ क्या लगाते हैं? हर हर बम बम। सो व्हाट इज एडेड टू द नेम ऑफ शंकर? हर हर बम बम। तो शंकर जी का काम क्या हुआ? देयरफॉर व्हाट इज द टास्क ऑफ शंकर जी? शंकर जी का काम हुआ बम फोड़वाना और दुनिया का विनाश कराना। शंकर जी टास्क इज टू इंस्पायर समवन टू डिटोनेट द एटम बॉम्ब्स एंड ब्रिंग अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। फिर एक ही भारत खंड रह जाता है। देन ओनली द लैंड ऑफ भारत रिमेन्स। सच खंड रह जाता है, बाकी झूठ खंड का विनाश हो जाता है। द लैंड ऑफ ट्रुथ रिमेन्स एंड द लैंड ऑफ फॉल्सहुड इज डिस्ट्रॉयड। तो देखो भारत खंड जो सच खंड है जिसका कभी विनाश नहीं होता है उस खंड में ही भगवान बाप आते हैं। सो लुक द लैंड ऑफ भारत विच इज द लैंड ऑफ ट्रुथ विच इज नेवर डिस्ट्रॉयड। God the Father comes in that very land. बाकी सभी खंड विनाश को पाते हैं। All the other lands are destroyed. और खंडों में भगवान बाप नहीं आते। God the Father does not come to the other lands. विनाशी खंडों में भगवान नहीं आते, कहाँ आते हैं? God does not come to the perishable lands. Where does he come? एक सच खंड भारत खंड में आते हैं। He comes to the one true land. The land of Bharat. तो भारत खंड कब विनाश को नहीं पाता है, बाकी हाँ तमो प्रधान झूठ खंड बन जाता है। Therefore, the land of Bharat is never destroyed. As for the rest, yes, it becomes tamo pradhan, that is dominated by darkness or ignorance, the land of falsehood. किस बात से झूठ खंड बनता है? How does it become a land of falsehood? और सच खंड किससे बनता है? And how does it become the land of truth? ये तुम्हारी बुद्धि में है। This is in your intellect. कि श्रीमत भगवान की श्रीमत से
सचखंड बनता है. दिस इज इन योर इंटेलेक्ट दैट इट बिकम्स द लैंड ऑफ ट्रुथ विद द श्रीमत ऑफ गॉड. और मनुष्यों की दुष्ट बुद्धि से क्या बनता है? झूठ खंड बन जाता है. एंड वॉट डज इट बिकम विद द इविल इंटेलेक्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स? इट बिकम्स अ लैंड ऑफ फॉल्सहुड. शास्त्रों की मत पर चलने से क्या बनता है? वॉट डज इट बिकम बाई फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ द स्क्रिप्चर्स? ये भारत खंड झूठ खंड बन जाता है. दिस लैंड ऑफ भारत बिकम्स द लैंड ऑफ फॉल्सहुड. और भगवान की मत पर चलने से सच खंड बन जाता है. एंड बाई फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ गॉड इट बिकम्स द लैंड ऑफ ट्रूथ. तो ये बात तुम्हारी बुद्धि में अभी आ गई. Therefore, this topic has come in your intellect now. आधा कल्प भक्ति से झूठ खंड बना. It became the land of falsehood for half the kalp because of bhakti. और बाप के ज्ञान से सचखंड बन जाते हैं. And it becomes the land of truth through the knowledge of the father. बाप कहते हैं वेदों शास्त्रों से यज्ञ तप दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते. द फादर सेज नो वन कैन फाइंड मी बाय स्टडीइंग द वेदास एंड द स्क्रिप्चर्स बाय परफॉर्मिंग यज्ञ दैट इज रिचुअल फायर्स मेडिटेशन गिविंग डोनेशंस परफॉर्मिंग नोबल डीड्स एटसेट्रा. 2000 वर्ष से ये वेद शास्त्र यज्ञ तप दान पुण्य होते आए, मेरे को कोई ने प्राप्त किया ही नहीं. Studying the Vedas, the scriptures, performing yagyas, meditation, giving donations, performing noble deeds, etc., carried on for 2500 years. But no one found me ever. ऐसा करने से तो तुम और ही दुर्गति को पाते गए. By doing this, you degraded even more. अभी तुम समझ गए हो कि हम तमो प्रधान बन गए. Now you have understood, we have become tamo pradhan. और तमो प्रधान तो बनना ही होता है. एंड वी डू हैव टू बिकम तमो प्रधान. दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर बाद में रजो और अंत में तमो प्रधान बनती. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज सतो प्रधान एट फर्स्ट, देन लेटर ऑन इट बिकम्स रजो डोमिनेटेड बाय द क्वालिटी ऑफ एक्टिविटी एंड पैशन, एंड एट लास्ट इट बिकम्स तमो प्रधान. बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा कितना अच्छा लगता है. अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ स्मॉल चाइल्ड लुक्स सो लवली. फिर बड़ा होता है, देन ही ग्रोज अप. फिर बुड्ढा होता है, फिर खलास हो जाता है. देन ही बिकम्स ओल्ड एंड देन ही डाइज. तो बुड्ढा किसी को अच्छा लगता है कि बच्चा अच्छा लगता है? बच्चा अच्छा. सो डज समवन लाइक एन ओल्ड मैन और अ चाइल्ड? दे लाइक अ चाइल्ड. मकान बनाया नया नया, पहले सतो प्रधान है. सपोज अ न्यू हाउस इज बिल्ट, इट इज सतो प्रधान एट फर्स्ट. रहने में कितना सुखदायी होता है. इट इज सो कंफर्टेबल टू लिव इन. फिर अब ये मकान पुराना हो गया. देन नाउ दिस हाउस हैज बिकम ओल्ड. डर लगता हाथियों को झुंड ना आ जाए, गिरा जाए कहीं, अब दम के मर जाएंगे. दे फील फ्राइटेंड दैट इफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट कम्स it will crash the house down and they will be buried to death. So tamo pradhan ho gaya, kisi ko acha nahi lagta. So no one likes it when it becomes tamo pradhan. To kehte hain har cheez duniya ki pehle sato pradhan fir tamo pradhan banti hai. Therefore it is said that everything in the world is sato pradhan at first and certainly becomes tamo pradhan later. To ye srishti bhi पहले सतो प्रधान सतयुग थी और अब तमो प्रधान कलयुग बन गई. सो दिस वर्ल्ड टू वॉज द सतो प्रधान गोल्डन एज एट फर्स्ट एंड नाउ इट हैज बिकम द तमो प्रधान आयन एज. तो षष्ठी भी सतो प्रधान सतो रजो और तमो बनती है. सो द वर्ल्ड ऑल्सो बिकम्स सतो प्रधान सतो रजो एंड तमो. सतो मीनिंग stage in which there is ordinary goodness and purity. दुनिया की हर चीज को ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है. Everything in the world has to go down from a high stage. तो ये खेल है. So this is a play.
अभी फिर तुम बच्चों को सत्व प्रधान बनना है. नाउ यू चिल्ड्रन हैव टू बिकम सत्व प्रधान वंस अगेन. कैसे बने उसके लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है. हाउ विल यू बिकम दैट? फॉर दैट देर इज द एलिवेटेड कॉन्फ्लुएंस एज, पुरुषोत्तम संगम युग. क्या ऐसा युग? वॉट वॉट काइंड ऑफ एन एज? इसका नाम है संगम. काय काय का संगम? इट्स नेम इज संगम, कॉन्फ्लुएंस. कॉन्फ्लुएंस ऑफ वॉट? कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम. कॉन्फ्लुएंस ऑफ द एंड ऑफ द आयरन एज एंड द बिगिनिंग ऑफ द गोल्डन एज. जहाँ पुरुषों में अर्थात आत्माओं के बीच में उत्तम उत्तम पार्ट बजाने वाली आत्माएं कौन कौन है वो सब प्रत्यक्ष हो जाता है. वेयर ऑल द सोल्स हु प्ले द बेस्ट पार्ट अमंगस्ट द पुरुष मीनिंग द सोल्स आर रिवील्ड. उत्तम उत्तम आत्माएं याद की जाती है ना. द बेस्ट सोल्स आर रिमेम्बर्ड aren't they? स्मरण करते हैं ना. स्मरण करते हैं कि नहीं करते हैं? They are remembered, aren't they? Do they rotate the beads or not? नहीं करते. इस रूप में. Students said something. Are they not rotated? Students, they are. In which form? माला के स्मरण करते हैं कि लोग नहीं करते हैं? Do people rotate the beads of the rosary or not? हिंदुओं में भी माला स्मरते हैं कि नहीं स्मरते हैं? Do they also rotate the rosary among the Hindus or not? Students, they do. मुसलमानों में भी माला घुमाते हैं? क्रिश्चियंस में भी माला घुमाते हैं? The rosary is rotated among the Muslims as well as the Christians. सिखों में भी माला घुमाते हैं? वो किसको स्मरण करते हैं? And the rosary is rotated among the Sikhs too. Whom do they remember? ये गोल-गोल आत्मारूपी दानों को याद करते हैं. They remember these round bead-like souls. कौन कौन से श्रेष्ठ आत्माएं हैं इस दुनिया में? Who are the elevated souls in this world? तो सिख धर्म वाले अपने धर्म की माला, अपने धर्म की आत्माओं को याद करते हैं. So, the Sikhs remember the rosary, the souls of their religion. क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म की अच्छी अच्छी आत्माओं को याद करते हैं. The Christians remember the good souls of their religion. मुसलमान अपने धर्म की अच्छी अच्छी आत्माओं को याद करते हैं. The Muslims remember the good souls of their religion. और हिंदुस्तान में हिंदू लोग अपने धर्म में जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ हुए हैं उनको याद करते हैं. And in Hindustan, the Hindus, they remember the elevated souls who have been in their religion. तो हर धर्म में श्रेष्ठ आत्माओं का स्मरण होता है. So, the elevated souls are counted as the beads of the rosary in every religion. स्मरण होता है. They are remembered. उन श्रेष्ठ आत्माओं को श्रेष्ठ किसने तो बनाया होगा? Someone certainly will have made those elevated souls into elevated ones. जो दुनिया आज याद कर रही है हर धर्म में उन आत्माओं को याद किया जाता है. किसने बनाया उनको श्रेष्ठ? So that the world is remembering them today. Those souls are remembered in every religion. Who made them the elevated? भगवान ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है जो आकर के श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनाता है. God himself who comes and creates the elevated deities is the most elevated one. तो देखो दुनिया की हर चीज नीचे उतरती है. So look, everything in the world goes down. अभी तुम संगम युग पर नीचते ऊंच बन रहे हो. Now you are becoming high from low in the confluence age. उत्तम ते उत्तम पुरुष बनेंगे तो उत्तम ते उत्तम नारियां भी बनेंगी. Men become the best and women will become the best too. क्या कहा? What was said? ऐसे नहीं पुरुष ही उत्तम उत्तम बनेंगे. It is not that only the men will become the best. तो पुरुषोत्तम युग नाम दे दिया. नहीं. So the name पुरुषोत्तम युग has been given. No. नारियां भी उत्तम बनेंगी. The women will also become the best. वो भी पुरुष हैं. पुरुष माने आत्मा. They too are पुरुष. पुरुष means soul. सब ऊंच पद पाएंगे जो भी पुरुषार्थ करेंगे. All those
हु मेक पुरुषार्थ विल अचीव अ हाई स्टेटस. फिर इसके लिए पवित्र भी बनना है क्या? देन यू ऑल्सो हैव टू बिकम प्योर फॉर दिस. वॉट? जो उत्तम देवताएं थे वो पवित्र थे या अपवित्र थे? वर द बेस्ट डीटीज प्योर और इम्प्योर? पवित्र थे, तब तो उनके मंदिरों में कितनी पवित्रता का ध्यान रखा जाता है. स्टूडेंट्स, दे वर प्योर ओनली देन इज सो मच केयर टेकन फॉर प्योरिटी इन देयर टेम्पल्स. बाप ने समझाया, जब तुम पवित्र थे तो तुम विश्व के मालिक थे. द फादर एक्सप्लेन्ड, यू वर द मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड व्हेन यू वर प्योर. अभी तुम अपवित्र हो. नाउ यू आर इम्प्योर. तो तुम बेगर बन पड़े. सो यू हैव बिकम बेगर्स. पहले डबल सिरताज थे. यू वर डबल क्राउंड अर्लियर. तुम्हारा लाइट का ताज भी था और स्थूल ताज रतन जड़ी भी था. यू हैड अ क्राउन ऑफ लाइट एज वेल एज अ फिजिकल क्राउन एम्बेडेड विद ज्वेल्स. ये सिर्फ समझाने के लिए दिखाया जाता है, लाइट का ताज. दिस क्राउन ऑफ लाइट इज शोन ओनली टू एक्सप्लेन. वो लाइट का ताज अर्थात प्योरिटी का ताज. द क्राउन ऑफ लाइट मीन्स द क्राउन ऑफ प्योरिटी. काहे की लाइट होती है? पवित्र आत्मा में ज्ञान की लाइट होती. इट इज द लाइट ऑफ व्हाट? अ प्योर सोल हैज द लाइट ऑफ नॉलेज. वहाँ की वहाँ कोई ऐसी लाइट दिखाई नहीं पड़ती है. अदरवाइज नो सच लाइट इज विजिबल देयर. वहाँ सभी पवित्र रहते हैं. ऑल रिमेन प्योर देयर. इसलिए पवित्रता का ताज दिखाया जाता है. देयरफोर द क्राउन ऑफ प्योरिटी इज शोन. बाकी ऐसी कोई रोशनी कोई बाहर से थोड़े ही चमकती है. अदरवाइज नो सच लाइट शाइन्स एक्सटर्नली. फिर जब वाम मार्ग में देवताएं गिरते हैं तो ये निशानी नहीं रहती है. लेटर व्हेन द डीटीज फॉल ऑन द लेफ्ट पाथ दिस साइन डज नॉट रिमेन. ये है दाया मार्ग, ये है बाया मार्ग. बाबा इज शोइंग दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड. तो देवताएं वाम मार्ग में गिरते हैं. झाड़ का चित्र देखा ना? सो द डीटीज फॉल ऑन द लेफ्ट पाथ. यू हैव सीन द पिक्चर ऑफ द कल्पा ट्री, हैवंट यू? झाड़ के चित्र में एक तरफ है दाई ओर के धर्म और दूसरी तरफ है बाई ओर के धर्म. इन द पिक्चर ऑफ द कल्पा ट्री ऑन वन साइड आर द रिलीजन्स ऑफ द राइट साइड एंड ऑन द अदर साइड आर द रिलीजन्स ऑफ द लेफ्ट साइड. तो पहले पहले जो धर्म आता है द्वापर युग में वो बाई ओर का धर्म आता है कि दाई ओर का आता है? देयरफोर द रिलीजन विच कम्स फर्स्ट इन द कॉपर एज इज दैट अ रिलीजन ऑफ द लेफ्ट साइड और द राइट साइड. द्वापर युग जब शुरू होता है, व्हेन द कॉपर एज बिगिंस, तो द्वापर के शुरुआत में ही कौन सा धर्म आता है, दाई ओर वाला आता है कि बाई ओर वाला? विच रिलीजन कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉपर एज? Is it a religion of the right side or the left side? बाई ओर वाला इस्लाम धर्म आता है. The Islam religion of the left side comes. तो जब बाम मार्ग में तुम जाते हो तो ये लाइट का ताज खत्म हो जाता है. So when you go to the left path, this crown of light disappears. वो इस्लामी आए और उन्होंने अपवित्रता की दुनिया शुरू कर दी. The people of Islam came and they started the world of impurity. तो पवित्रता का लाइट, लाइट का ताज देवताओं को नहीं दिखाते हैं. So then the deities are not shown to have the crown of the light of purity in practice anymore. ये निशानी खत्म हो जाती है. This sign disappears. बल सन्यासी आदि को लाइट का ताज देते हैं. Although the sannyasis etc. are given a crown of light. परंतु वो आर्टिफिशियल दे देते हैं. दे आर गिवन एन आर्टिफिशियल वन. वास्तव में वो सन्यासी आदि भी तो मूत से पैदा होते हैं या पवित्रता से पैदा होते हैं. इन फैक्ट आर दो सन्यासी एक्सेट्रा ऑल्सो बोर्न थ्रू द यूरिन ऑफ लस्ट और थ्रू प्यूरिटी. उनकी भी पैदाइश अपवित्रता से होती है. दे टू आर बोर्न through impurity. देवताएं हैं सर्वोत्तम पवित्र. Deities are the purest of all. बाप कहते हैं तुमको अभी यह देवताएं ही बनने का है. The father says you have to become this very deity now.
ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। दिस इज योर एम एंड ऑब्जेक्टिव। जिसकी कथा घर घर में सुनाई जाती है। किसकी? इट्स स्टोरी इज नरेटेड इन एवरी हाउस। Whose story is narrated? Satyanarayan ki katha. The story of Satyanarayan, the true Narayan. Ye tumhari zindagi ka aim object hai. This is the aim and objective of your lifetime. Sabhi to Narse Narayan nahi ban sakenge. Not all will be able to become Narayan from Nar, that is man. Haan, Mangalwar devata banenge. Yes, they will become deities number wise, that is at different levels. भक्ति मार्ग की बातें अलग। द वेरी टॉपिक्स ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति आर डिफरेंट। वो भक्ति मार्ग की बातें हैं रात लाने वाली। दोज टॉपिक्स ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति ब्रिंग द नाइट। अज्ञान अंधेरा फैला देती है। दे स्प्रेड द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। और ये है ज्ञान दिन में लाने की बात। एंड दिस इज द टॉपिक दैट ब्रिंग्स यू टू द डे ऑफ नॉलेज। ज्ञान दिन होता ही है स्वर्ग में। द डे ऑफ नॉलेज इज सर्टेनली इन हेवन। 20/67 की वाणी का दूसरा पेज। सेकेंड पेज ऑफ द वाणी डेटेड 2010-68। उस स्वर्ग को कहा जाता है गोल्डन एज। दैट हेवन इज कॉल्ड द गोल्डन एज। कैसी दुनिया? व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड? स्वर्ण की दुनिया। अ वर्ल्ड ऑफ गोल्ड। फिर त्रेता में होगी चांदी की दुनिया। देन इन द सिल्वर एज इट विल बी द वर्ल्ड ऑफ सिल्वर। फिर द्वापर में। इन द कॉपर एज तांबे की दुनिया। इट विल बी द वर्ल्ड ऑफ कॉपर। और कलयुग में काहे के बर्तन मिलते हैं। एंड द यूटेंसिल्स मेड विद विच मेटल आर फाउंड इन द आयरन एज। लोहे के बर्तन। यूटेंसिल्स मेड ऑफ आयरन आर फाउंड। तो लोहे की दुनिया हो गई। देयरफॉर इट इज द वर्ल्ड ऑफ आयरन। अभी आयरन एज दुनिया है, लोहे की दुनिया है। नाउ इट इज द आयरन एज वर्ल्ड, द वर्ल्ड ऑफ आयरन। आत्मा आयरन एज बनती है तो सब कुछ आयरन आयरन का ही मिलता है। वेन द सोल रीचेस द स्टेज ऑफ द आयरन एज एवरीथिंग मेड ऑफ जस्ट आयरन इज फाउंड। हर चीज लोहे लोहे की मिलती है। एवरीथिंग अवेलेबल इज ऑफ आयरन। जेवर भी आयरन एज बन जाते हैं। द ज्वेलरी इज ऑल्सो मेड ऑफ आयरन। आजकल जो जेवर पहन रहे हैं वो भी स्टील के बने बनाए। द ज्वेलरी दैट इज वोन नाउडेज इज ऑल्सो मेड ऑफ स्टील। आयरन के बने हुए जेवर। दे आर द ज्वेलरी मेड ऑफ आयरन। असली जेवर सोने चांदी के देखने को मिलते ही नहीं। अगर पहनेंगे भी तो चोर लुटेरे आकर के और गला काट देंगे। True jewelry, jewelry made of gold and silver are not seen at all. If at all someone wears it, thieves and dacoits will come and cut off their neck instead. गाते भी हैं। They also sing. मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। Meaning, I, the virtueless one, have no virtue. रहम दिल तो बाप को ही कहा जाता है। Only the father is called merciful. बाप ही knowledgeful है, वो ही blissful है, purity में भी full है। The father himself is knowledgeful. He himself is blissful, and he is full with purity as well. उनको कहा जाता है ever pure. He is called ever pure. वो इस दुनिया में अपवित्र दुनिया में आते हैं, अपवित्र तन में आते हैं। He comes to this world, the impure world, into an impure body. तो भी अपवित्र देश में आते हैं, तो भी पवित्र बन करके रहते हैं या अपवित्र बनते हैं। He comes in an impure country. Even so, does he remain pure or does he become impure? तो भी वो ओवर प्योर बाप शिव पवित्र ही बन करके रहते हैं। A student, he remains pure. Even so, that ever pure father Shiv remains just pure. वो सभी बातों में perfect बाप है। He is a perfect father in everything. Purity में भी full है। He is full with purity as well. Knowledge में भी full है। He is full with knowledge too. शांति में भी full है और सुख में भी
फुल है। ही इज फुल विद पीस एज वेल एज हैप्पीनेस। सुप्रीम कहा जाता है ना, और कोई भी आत्मा को सुप्रीम नहीं कहेंगे। ही इज कॉल्ड सुप्रीम इजंट ही। नो अदर सोल विल बी कॉल्ड सुप्रीम। दुनिया में बड़ी बड़ी नामाचार करने वाली आत्माएं आई। रियली ग्रेट एंड फेमस सोल्स केम इन द वर्ल्ड। क्राइस्ट आया, बुद्ध आया, गुरु नानक आए, विवेकानंद आए, गांधी जी आए। क्राइस्ट, बुद्धा, गुरु नानक, विवेकानंद, गांधी जी केम। कितनी महान महान आत्माएं आई। सो मेनी ग्रेट सोल्स केम। फिर देन सब देहधारी है। ऑल आर बॉडीली बींग्स। कोई भी निराकारी स्टेज वाली नहीं है। नो वन हैज द इनकॉर्पोरियल स्टेज। सिवाय एक बाप के कोई को भी सुप्रीम नहीं कहेंगे। नो वन एल्स एक्सेप्ट द वन फादर विल बी कॉल्ड सुप्रीम। सभी आते हैं शरीर धारण करके पार्ट बजाते हैं। ऑल कम टेक ऑन अ बॉडी एंड प्ले अ पार्ट। हरेक आत्मा को जो शरीर मिलता है उस शरीर के ऊपर उनका नाम पड़ता है। द बॉडी विच एवरी सोल गेट्स दे गेट अ नेम फॉर दैट बॉडी। मेरे शरीर ही नहीं है। आई डोंट हैव अ बॉडी एट ऑल। तो मेरे शरीर का नाम भी नहीं है। देयरफॉर देयर इज नो नेम ऑफ माई बॉडी ईदर। शिव को अपना शरीर है। डज शिव हैव हिज बॉडी। नहीं, वो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। नो, ही डज नॉट कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एट ऑल। पराए शरीर में आकर के प्रवेश करते हैं। ही कम्स एंड एंटर्स अदर्स बॉडी। हर जन्म में नाम रूप देश काल फीचर्स तुम बच्चों के बदलते हैं। द नेम फॉर्म कंट्री टाइम एंड फीचर्स ऑफ यू चिल्ड्रन चेंज एवरी बर्थ। वर्ष गुजरा, मास गुजरा, घंटे गुजरे, सतयुग से लेकर गुजरते गुजरते अभी कलयुग अंत में आकर के गिरे। ईयर पास्ट, मंथ पास्ट, आवर्स पास्ट, पासिंग फ्रॉम द गोल्डन एज यू हैव फॉलन डाउन एट द एंड ऑफ द आयरन एज नाउ। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है कैसे हम सतो प्रधान से उतरते उतरते आकर के तमो प्रधान पतित बन जाते। यू चिल्ड्रन हैव रीगेन्ड द अवेयरनेस नाउ हाउ यू बिकम तमो प्रधान एंड सिंफुल डिसेंडिंग फ्रॉम द सतो प्रधान स्टेज। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। आवर 84 बर्थ्स हैव बीन कम्प्लीटेड नाउ। अभी फिर हम पहले नंबर में जाते हैं। नाउ अगेन वी गो टू द फर्स्ट नंबर। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड रिपीट्स। वो सत्य की हिस्ट्री ज्योग्राफी उसको भी रिपीट कहा जाता है। द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द गोल्डन एज इज ऑल्सो सेट टू रिपीट। कलयुग की तो अभी चली रही है। द वन ऑफ द आयरन एज इज एनी हाउ गोइंग ऑन नाउ। फिर सत्युग की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट होना है। देन द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द गोल्डन एज हैज टू रिपीट। जिसके लिए ही तुम अभी सुदर्शन चक्रधारी बने हो। इट इज फॉर दिस दैट यू हैव बिकम स्वदर्शन चक्रधारी नाउ। स्वदर्शन चक्रधारी मीनिंग द वन हु रोटेट्स द व्हील ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। यू आर मेकिंग पुरुषार्थ। तुम जानते हो हम अपने बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा फिर से ले रहे हैं। यू नो वी आर टेकिंग द इनहेरिटेंस ऑफ द अनलिमिटेड हैप्पीनेस फ्रॉम आवर अनलिमिटेड फादर अगेन। ये 84 का चक्र बुद्धि में तुम बच्चों को याद करना चाहिए। You children should remember this cycle of 84 births in the intellect. कि कैसे कैसे हमने सतयुग में थोड़े जन्म लिए। You should remember how we had few births in the golden age. कितने जन्म? How many births did we have? सतयुग में कितने जन्म लिए मनुष्यों ने? How many births did human beings have in the golden age? 8 जन्म। त्रेता में? 12 जन्म। द्वापर में? Students, 8 births. They had 8 births. In the Silver Age, students, 12 births. 12 births. In the Copper Age, उन दोनों युगों में जितने उतने सिर्फ द्वापर में। The number of births there are in those two ages, that is, the Golden and Silver Ages, those many births are in the Copper Age alone. कितने?
How many? 21 जन्म द्वापर में. Students, 21. There are 21 births in the Copper Age. और कलयुग में? द्वापर से भी दो गुने. And in the Iron Age, someone said 42. Twice the number of births of the Copper Age. ये जन्म क्यों बढ़ते जाते हैं? Why does the number of births keep increasing? क्योंकि आयु कम होती जाती है तो जन्म बढ़ते जाते हैं. It is because the lifespan keeps lessening, therefore the number of births keep increasing. तो देखो ये सारी बातें बुद्धि में याद रखने की हैं. So look, all these things are to be remembered in the intellect. बाप से हमने ये सतयुगी राज्य अनेक बार लिया है. We have taken this kingdom of the golden age from the father several times. Wonder of the world. वो नई दुनिया है. The wonder of the world is the new world. जो बाप बनाते हैं स्वर्ग से. The heaven which the father makes. ये है ऊंचे से ऊंचा दुनिया का wonder of the world. This is the highest wonder of the world. वो तो मनुष्यों के बनाए हुए wonder है जो लोग देखने के लिए जाते हैं. Those are the wonders made by the human beings which people go to see. जैसे ताजमहल है. For example, there is the Taj Mahal. लोग देखने जाते हैं ना? है? People go to see it, don't they? Student, they do. ओ, मिस्र के पिरामिड हैं. There are the pyramids of Egypt. मिस्र में लोग कितने जाते हैं उन पिरामिडों को देखने के लिए? So many people go to Egypt to see those pyramids. चीन की दीवार है. There is the Great Wall of China. कितनी सैकड़ों मील लंबी और सैकड़ों मील और बड़ी लंबी चौड़ी दीवार बनाई हुई. It is hundreds of miles long. A very long and wide wall has been built. दो देशों को अलग करती है वो दीवार देखने के लिए लोग जाते हैं. It separates two countries. People go to see that wall. तो ऐसी ऐसी अनेक प्रकार की नाना प्रकार की चीजें बनाई हुई हैं मनुष्यों ने. वो तो सब विनाशी चीजें हैं. Various kinds of things like this have been made by the human beings. All those things are certainly perishable. लेकिन भगवान आकर जो चीज बनाते हैं वो है अविनाशी स्वर्ग. But the thing which God makes when he comes is the imperishable heaven. जो अविनाशी स्वर्ग दुनिया का सबसे बड़ा वंडर होगा. The imperishable heaven which will be the biggest wonder of the world. उस वंडर को दुनिया के सब लालायित होंगे देखने के लिए. All the people of the world will be eager to see that wonder. तो ये बुद्धि में याद रहना चाहिए. So this should be remembered in the intellect. कि हमने ये सतयुगी राज्य जो बाप ने स्थापन किया वो अनेक बार लिया है. Many times we have taken this kingdom of the golden age which the father has established. जैसे ये ताज महल है. Just as there is the Taj Mahal. ऐसे माया के सात वंडर्स हैं. There are seven wonders of Maya. वो माया भी मनुष्य ने बनाए. Those are made by the Mayavi, that is deceptive human beings. बाप का वंडर तो एक ही है. There is only one wonder of the father. जिसको स्वर्ग पैराडाइज कहा जाता है. Which is called स्वर्ग पैराडाइज. यहाँ के वंडर्स में क्या रखा है? There is nothing great about the wonders here. धक्के खाते रहते हैं सुख तो मिलता नहीं. People keep receiving blows, they certainly don't get happiness. जो बाप वंडर बनाते हैं स्वर्ग उसमें तो देखो सुख ही सुख है. Look, there is happiness and only happiness in the wonder of heaven which the father creates. ये वंडर्स तो मनुष्यों ने बैठकर बनाए हैं. Well, these wonders are made by human beings. जैसे चीन की दीवार कहते हैं. Just as they say the great wall of China. कितनी मेहनत करके इतनी लंबी चौड़ी दीवार बनाई होगी. They must have worked so hard and made such a long and wide wall. मनुष्यों को मालूम ही नहीं है. Human beings don't know this at all. Wonder of the world. सचमुच ये आबू का दिलवाड़ा मंदिर है. The Dilwara temple of Mount Abu is the wonder of the world in reality. जिसमें आदिदेव आदिदेवी का चित्र मूर्ति रखी हुई है और तुम बच्चे बैठे हो. In which the statues of Adidev, the first deity and Adidevi
the first female deity, have been kept and you children are sitting there. ऊपर में स्वर्ग दिखाया है. Heaven is shown above. नहीं तो स्वर्ग कहाँ बनावेंगे? Otherwise, where will heaven be made? जरूर तुम बच्चों ने ऊंची स्टेज की पुरुषार्थ किया है. Certainly, you children have made the purusharth of a high stage. तो उन्होंने भी स्वर्ग को ऊपर दिखाया है. Therefore, they too have shown heaven above. ऊपर में राजा ही और नीचे की स्टेज में तुमने तपस्या की है. You have ruled in the stage above and have done tapasya, that is intense meditation, in the stage below. वो तो अभी तुम कर रहे हो ना? You are doing that now, aren't you? अभी तुम राज ऋषि हो. Now you are Raj Rishi, royal sage. वो सन्यासी तो हैं हठयोग ऋषि. Those sannyasis are hatyog rishis, sages who perform rigorous physical exercises. Rishi pavitra ko kaha jata hai. A pure person is called Rishi. Pavitrata to zarur chahiye. Purity is certainly required. Ek baar tumne sampurna pavitrata dhaan kar li, to tum aadha kalp ke liye pavitra hi rahenge. Once you have imbibed purity completely, you will remain just pure for half the kalp. ऐसे नहीं. इट इज नॉट दैट. फिर बिख से तुम जन्म लेकर के पवित्र बनेंगे? नहीं. यू विल बी बॉर्न थ्रू द पॉइजन ऑफ लस्ट एंड देन बिकम प्योर. नो. जैसे सन्यासी बनते हैं. जस्ट एज द सन्यासी बिकम प्योर. बिख से जन्म लेते हैं फिर बाद में पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं. दे आर बॉर्न थ्रू द पॉइजन ऑफ लस्ट एंड देन दे मेक पुरुषार्थ टू बिकम प्योर. ऐसे तुमको नहीं बनना है. यू शुड नॉट बिकम लाइक दैट. श्री कृष्ण को महात्मा कहते हैं. दे कॉल श्री कृष्ण महात्मा मीनिंग अ ग्रेट सोल. परंतु वो तो एवर महात्मा है. बट ही इज एवर महात्मा. वो कोई अपवित्रता से जन्म नहीं लेता है. ही इज नॉट बॉर्न थ्रू इम्प्यूरिटी. ये सन्यासी लोग तो फिर भी विकार से जन्म लेते हैं. दीज सन्यासीज आर स्टिल बॉर्न थ्रू वाइसेस. फिर बाद में बड़े होकर महात्मा बनते हैं. Later on, when they grow up, they become Mahatma. इन बातों को मनुष्य नहीं जानते. Human beings do not know these topics. बड़े अच्छे अच्छे नामी ग्रामी सन्यासी हैं. There are very good, well-known sannyasis. बम्बई में एक शेर को पालने वाला सन्यासी रहता था. In Bombay, there lived a sannyasi who reared a tiger. क्या? What? उसका नाम नहीं बताया. His name was not mentioned. वो एक बार शिमला में भी शेर को ले गया. वंस ही ऑल्सो टुक द टाइगर टू शिमला द कैपिटल सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश. परंतु भले शेर को पालता था लेकिन था महान व्यभिचारी. हाउएवर ऑल्दो ही रियर्ड अ टाइगर ही वॉज वेरी अडल्ट्रस. फिर शादी करके बच्चे आदि भी पैदा कर लिए. लेटर ही मैरिड एंड इवन गेव बर्थ टू चिल्ड्रन. शुरू में उनके पास बहुत बड़े बड़े आदमी जाते थे. इन द बिगिनिंग मेनी रिच पीपल यूज्ड टू गो टू हिम. ऐसे ऐसे सन्यासियों के लाखों फॉलोअर्स बन जाते हैं. लैक्स दैट इज हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिकम द फॉलोअर्स ऑफ सच सन्यासी. कितना नाम बाला हो जाता है. दे बिकम सो फेमस. अब तुम तो कोई के अंधश्रद्धालु फॉलोअर्स नहीं बनते हो. नाउ यू डोंट बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ एनीवन. फॉलोअर नाम तो ठहरता भी नहीं है. द नेम फॉलोअर डजंट सूट ईदर. कहाँ कहाँ वो सन्यासी कहाँ वो गृहस्थी टट्टू. व्हाट अ कंपैरिजन बिटवीन द सन्यासीज एंड द हाउसहोल्डर लाइक म्यूल्स. बिकॉज द हाउसहोल्डर्स कैरी द बर्डन ऑफ द सन्यासीज. फॉलो करते कहाँ है. दे डू नॉट फॉलो द सन्यासीज. सन्यासी तो जाकर के कफनी पहनते. द सन्यासीज वेयर कफनी. That is an ascetic's unstitched garment. उनके चेले उनके फॉलोअर्स कफनी पहनते हैं क्या? Do their disciples, their followers wear kafni? लंगोटी पहने तो फॉलोअर कहे जाए. If they wear a loin cloth, they will be called followers. तो ये फॉलोअर नाम नहीं ठहरता. So this name follower cannot be affixed on them. फॉलोअर को तो फिर पूरा फॉलो करना चाहिए. In fact, a follower should follow his guru completely. तुम तो सच्चे सच्चे follower.
यू आर द रियल फॉलोअर्स. क्यों? वाई? तुम शिव बाबा को फॉलो करते हो. यू फॉलो शिव बाबा. तो तुम प्रैक्टिस करते करते क्या बन जाएंगे? सो वॉट विल यू बिकम बाई प्रैक्टिसिंग? शिव बाबा बिंदु आत्मा, तो तुम भी अंत में क्या बन जाएंगे? शिव बाबा इज अ पॉइंट सोल, सो वॉट विल यू ऑल्सो बिकम एट द एंड? ये शरीर छोड़कर बिंदु आत्मा बन जाएंगे. यू विल बिकम अ पॉइंट सोल आफ्टर लीविंग द बॉडी. शरीर को अपनी स्वेच्छा से छोड़ देंगे. यू विल लीव दिस बॉडी वॉलंटरीली. क्या वो सन्यासी भी ऐसे होते हैं? कोई कोई. वॉट? देर आर ऑल्सो सच सन्यासी जो स्वेच्छा से बैठे बैठा ही शरीर छोड़ देते हैं. हु लीव देयर बॉडी वॉलंटरीली वाइल सिटिंग. तुम भी ऐसे सन्यासी बेहद के बनते हो जो अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे. यू टू बिकम सच अनलिमिटेड सन्यासी हु विल लीव द बॉडी वॉलंटरीली. मौत तुमको जबरिया नहीं ले जाएगी. डेथ विल नॉट टेक यू फोर्सिबली. तो तुम पवित्र भी बनते हो. सो यू ऑल्सो बिकम प्योर. तो तुमको शिव बाबा को फॉलो करना है. सो यू हैव टू फॉलो शिव बाबा. शिव बाबा कब कहा जाता है? When is he called शिव बाबा? बाबा कहा जाता है शरीरधारी को. द बॉडीली बींग इज कॉल्ड बाबा. और शिव कहा जाता है ज्योति बिंदु को. एंड द पॉइंट ऑफ लाइट इज कॉल्ड शिव. वो ज्योति बिंदु शिव किसी शरीरधारी में प्रवेश करता है. दैट पॉइंट ऑफ लाइट शिव एंटर्स सम बॉडीली बींग. जिसका नाम संसार में शंकर के नाम से प्रसिद्ध होता है. हु बिकम्स फेमस इन द वर्ल्ड विद द नेम शंकर. तो शिव उसमें प्रवेश करता है तो शिव बाबा कहा जाता है. When शिव enters him, he is called शिव बाबा. बाद में लोग कहने लगते हैं शिव शंकर भोलेनाथ. Later on, people start calling him शिव शंकर भोलेनाथ. That is the Lord of the Innocents. शिव का नाम किससे जोड़ दिया जाता है? With whose name is शिव's name joined? शंकर के साथ जोड़ दिया जाता है. और कोई देवता के साथ जोड़ा जाता है? इट इज जॉइंड विद द नेम ऑफ शंकर. इज इट जॉइंड विद द नेम ऑफ एनी अदर डीटी? और कोई देवता के साथ शंकर का शिव का नाम नहीं जोड़ेंगे. क्यों? शिव्स नेम विल नॉट बी जॉइंड विद द नेम ऑफ एनी अदर डीटी. व्हाई? क्योंकि शंकर ही एक ऐसा देवता है जो सबसे पहले आत्म की स्थिति में स्थित हो जाता है. It is because Shankar is the only deity who becomes stable in the soul conscious stage first of all. तो देखो, तुमको तो शिव बाबा को फॉलो करना है. So look, you do have to follow शिव बाबा. शिव की बारात होती है ना? There is the marriage procession बारात of शिव, isn't there? शिव की बारात माने शिव बाबा की सेना है. The marriage procession of Shiv means the army of Shiv Baba. वो शिव बाबा की कितनी बारात है बताओ? Tell me how big is the marriage procession of Shiv Baba? शिव जब वापस परमधाम अपने घर जावेंगे तो उनके पीछे पीछे कितनी बारात जावेगी? How many will go behind Shiv in the marriage procession when he goes back to his home, the supreme abode? कितने मनुष्यों की बारात होगी? It will be a marriage procession of how many human beings? मनुष्यों की होगी या आत्माओं की बारात होगी? Will it be a marriage procession of human beings or of souls? आत्माओं की बारात होगी. कितनी आत्माएं जाएंगी? Student, it will be a marriage procession of souls. It will be a marriage procession of souls. How many souls will go? सेवक को फॉलो करने वाली कितनी आत्माएं होंगी? How many souls will follow Shiv? 4.5 lakh आत्माएं होंगी. Students, 4.5 lakh, that is 450,000. There will be 4.5 lakh souls. बस. That's all. 4.5 lakh आत्माएं होंगी. There will be 4.5 lakh souls. लेकिन और भी ऐसी आत्माएं होंगी जो सजा खा करके आत्माएं बनी. बट देर विल ऑल्सो बी सच सोल्स हु बिकम सोल्स आफ्टर सफरिंग पनिशमेंट.
क्या वॉट बहुत बहुत सजाएं खाती है. दे सफर अ लॉट ऑफ पनिशमेंट्स. तब उनका सूक्ष्म शरीर छूटता है. ओनली देन डू दे लीव देयर सटल बॉडी. नहीं तो देवान छूटता ही नहीं. अदरवाइज दे डोंट लीव बॉडी कॉन्शियसनेस एट ऑल. तो ये 500-450 करोड़ की बाप की बारात है. सो दिस इज द मैरिज प्रोसेशन ऑफ 5 to 4.5 billion सोल्स ऑफ द फादर. ये शंकर की बारात नहीं है. दिस इज नॉट द मैरिज प्रोसेशन ऑफ शंकर. शिव की बारात है. क्यों? इट इज द मैरिज प्रोसेशन ऑफ शिव. वाई शंकर की बारात क्यों नहीं कह सकते? वाई कांट इट बी कॉल्ड द मैरिज प्रोसेशन ऑफ शंकर? अब नहीं कोई नया पुराना जवाब दे रहा है. नो वन न्यू और ओल्ड इज आंसरिंग नाउ. शंकर ऊपर ले रहे अ स्टूडेंट. शंकर वोंट टेक द सोल्स अबाव. लो जाड़े के चित्र में कौन बैठा हुआ है जो आत्माएं ऊपर जा रही है. लो अरे हु इज सिटिंग इन द पिक्चर ऑफ द कल्पा ट्री वेयर द सोल्स आर गोइंग अबाव. देखो झाड़ के चित्र को. सी द पिक्चर ऑफ द ट्री. कौन बैठा हुआ है ऊपर झाड़ के ऊपर? हु इज सिटिंग अबाव अबाव द ट्री. शंकर ही तो बैठा हुआ है. स्टूडेंट शंकर. इट इज इंडीड शंकर हु इज सिटिंग. शंकर की बारात क्यों नहीं कहा जाता? Then why isn't it called the marriage procession of Shankar? A student, Shiv himself becomes equal to Shankar, doesn't he? अरे शंकर को शिव समान बनना है कि उल्टा और कर दिया? Shiv himself is equal to Shankar. अरे does Shankar have to become equal to Shiv or have you made it the other way round? शिव है निराकार और वो आके शंकर समान बनेगा. शंकर तो विष पीता है. शिव इज इनकॉर्पोरियल. And if he comes and becomes equal to Shankar, well, Shankar drinks poison. A student, Shiv makes Shankar equal to himself. The father makes him equal to himself, doesn't he? नहीं बाप तो बनाता है किसी को. बाप सबको बना देना. No, the father doesn't make anyone. Then he should make everyone equal to himself, shouldn't he? वो अगर बनाता है तो सबको बना दे. इफ इट इज ही हु मेक्स शंकर इक्वल ही शुड मेक एवरीवन इक्वल. सब तो बनते नहीं. नॉट ऑल बिकम इक्वल. बनते तो नंबर वार पुरुषार्थ के अनुसार है ना. दे बिकम इक्वल नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू देयर पुरुषार्थ डोंट दे. तो अव्वल नंबर का पुरुषार्थ करने वाला है शंकर. सो इट इज शंकर हु मेक्स नंबर वन पुरुषार्थ. वो शंकर क्या पुरुषार्थ करता है? साकारी से आकारी और आकारी से निराकारी बन जाता है. वॉट पुरुषार्थ डज शंकर मेक? ही बिकम्स आकारी सटल फ्रॉम साकारी कॉर्पोरियल एंड निराकारी इनकॉर्पोरियल फ्रॉम आकारी. इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला बाप साकार से आकारी बना, आकारी से निराकारी, फिर साकार बनेगा. For this reason, it is said in the Avyaktvani, the father became Akari from Sakari, Nirakari from Akari, then he will become Sakar again. तो शिव की बारात है. So it is the marriage procession of Shiv. वो बारात बिंदु बिंदु आत्माओं की बारात है या देहधारियों की बारात है? Is that marriage procession a procession of the point souls or The marriage procession of the bodily beings. बिंदु बिंदु आत्माओं की बारात है. Someone said of point souls. It is the marriage procession of the point souls. इसलिए शंकर की बारात नहीं कह सकते हैं. शंकर तो मूर्तियां मिलती हैं. For this reason, it cannot be called the marriage procession of Shankar. In fact, Shankar, his idols are found. तो जरूर मूर्ति साकार की होगी या निराकार की? Therefore, surely, will the idols be of the corporeal or of the incorporeal?
मूर्ति तो साकार की होती है, तो उसकी बारात कैसे कहेंगे? स्टूडेंट्स ऑफ द कॉर्पोरियल, द आइडल्स आर ऑफ द कॉर्पोरियल इनडीड, देन हाउ विल इट बी कॉल्ड हिज मैरिज प्रोसेशन? आत्माएं तो सब बिंदु बिंदु बन करके जाती है ऊपर। ऑल द सोल्स बिकम पॉइंट्स एंड गो अबाव, शिव की बारात है। इट इज द मैरिज प्रोसेशन ऑफ शिव। शंकर तो वास्तव में होता ही नहीं। इन रियालिटी शंकर डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। परमधाम में जब आत्माएं जाएंगी तो वहाँ शंकर होगा क्या? When the souls go to the supreme abode, will Shankar exist there? Shankar to hota hi nahi. Everyone, no. Shankar does not exist at all. Ye bhakti marg mein anek dher ke dher chitra banaye. Many pictures of all sorts have been made in this path of bhakti. Ye chitra kahan ki yadgar hai? These pictures are a memorial of which time? Sangam ki yadgar. They are a memorial of the confluence age. संगम युग में जो चित्रों के रूप चैतन्य चित्रों के द्वारा जो पार्ट बजाया है उसकी यादगार वो नाम रूप दे दिए। The parts which have been played by the living pictures in the confluence age, that name and that form are given in its memorial. अभी सूंड वाला गणेश ऐसा कोई हो सकता है क्या? Now, can a Ganesh with a trunk like this exist? है? ऐसा कोई देवता हो सकता है जो सूंड वाला हो? कैन सच अ डीटी विद अ ट्रंक एग्जिस्ट? जानवर तो हो सकते हैं। सच एनिमल्स कैन एग्जिस्ट, लेकिन देवता तो सूंड वाला तो होता नहीं है। बट अ डीटी विद अ ट्रंक सर्टेनली डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर वास्तव में सूंड क्यों दे दिए? देन व्हाई इज अ ट्रंक शोन इन रियलिटी? कोई पुरुषार्थी जीवन में कोई देह अभिमानी हुआ है, है? जिसकी नाक पे गुस्सा रखा रहता हो। There was some body conscious soul who had a short temper in his purusharthi life, that is life of making spiritual effort. Short temper, the expression नाक पर गुस्सा literally means anger on the tip of the nose. तो नाक लंबी दिखाई गई। Therefore, he is shown with a long nose. जिनकी नाक लंबी है जमान मर्तबा बहुत चाहते हैं, छोटी छोटी सी बातों में नाराज हो जाते हैं, तो उनको गणेश के रूप में दिखा दिए। Those who have a long nose, who want a lot of respect and honor, who become displeased for trivial matters, are shown in the form of Ganesh. बड़े काम दिखाते हैं। He is shown with long ears. इसका मतलब ज्ञान ज्यादा सुनता होगा। It means he must be listening to more knowledge. तो ज्यादा ज्ञान सुनने की निशानी बड़े काम दिखा दिए। So, as a sign of listening to more knowledge, he is shown with long ears. दिखा दिए ना? माथा चौड़ा दिखा दिया। He is shown like this, isn't he? He is shown with a big forehead. क्या मतलब? What does it mean? कि मनन चिंतन मंथन ज्यादा करता होगा, तो उसको माथा चौड़ा दिखा दिए। He must be doing a lot of thinking and churning. Therefore, he is shown with a big forehead. पेट बहुत बड़ा दिखा दिया। He is shown with a very big stomach. इसका मतलब बुद्ध रूपी पेट उसका विशाल होगा। It means his stomach-like intellect must be huge. तो पेट भी बड़ा दिखा दिया। Therefore, he is shown with a big stomach too. तो ये भक्ति मार्ग में आने एक प्रकार के चित्र बनाए हैं, कहाँ की यादगार? So, various types of pictures are made in the path of bhakti. It is a memorial of which time? Sangam ki yadgar hai. It is a memorial of the confluence age. Bade ministers aadi unki bhi buddhi nahi chalti hai. Ye sab kya hai? The intellect of the big ministers doesn't work either regarding what is all this. Soon wala devata fir kahan se aaya? Then From where did a deity with a trunk come? ऐसे कोई मनुष्य तो होते नहीं है। There are no such human beings at all. अगर कोई सूंड वाला मनुष्य हो तो उसका बाप भी मनुष्य सूंड वाला होगा, बच्चा भी सूंड वाला पैदा होगा। If there is any human being with a trunk, his father will also have a trunk. His child also will be born with a trunk. तो हनुमान बंदर को कितना पूजते हैं देखो। So look,
how much they worship the monkey Hanuman, a monkey faced deity. आगे तुमको ये समझ नहीं थी. Earlier you did not have this understanding. अभी बाप ने तुमको कितनी समझ दी है. Now the father has given you so much sense to understand कि कोई भी देवता कोई पूंछड़ी वाला थोड़ा ही होता है. That there is no deity with a tail. बाप तुमको क्या से क्या बनाते हैं. The father makes you change so much. पहले तो गुरु आदि लोग जो सुनाते थे वो गुरुओं की बात पर सत्यवचन महाराज करते रहते थे. Earlier you used to keep saying सत्यवचन महाराज, meaning whatever you say is true sir, for whatever those gurus etc. narrated. अभी तुम इन बातों को नहीं मानेंगे. Now you won't believe those things. तुम समझते हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता. You understand this cannot happen at all. भक्ति मार्ग में क्या क्या करते रहते हैं. What sort of things they do in the path of bhakti? कितना waste of time करते हैं. They waste so much time. लौकिक बाप भी बच्चों को धन देता है तो कोई कपूत बच्चे बन जाते हैं तो झट धन उड़ाए देते हैं. When a lokic father also gives wealth to the children, some become bad children and waste the wealth in no time. वो हैं हद के कपूत. Those are the bad children of the limited world. यहाँ फिर हैं बेहद के कपूत. Here there are the bad children of the unlimited world. बाप इतना ज्ञान धन देते हैं और ज्ञान धन को यूं ही विकारी दुनिया में मौज उड़ा करके खत्म कर देते हैं. The father gives so much wealth of knowledge and they simply spend and finish the wealth of knowledge enjoying themselves without restraint in the vicious world. अब बेहद का बाप तुम बच्चों को कितना धन देते हैं. Now the unlimited father gives you children so much wealth. कहते हैं बच्चे मीठे मीठे आज से 5-4 वर्ष पहले तुमको विश्व की बादशाह ही दी थी. He says, sweet children, I gave you the emperorship of the world 5000 years ago. कितने हीरे जवाहरात दिए थे. I gave you so many diamonds and gems. तुम्हारे शास्त्रों में भी है सागर से देवताएं निकले तो रत्नों की थालियां भर भर कर देते थे. It is also mentioned in your scriptures. When deities emerged from the ocean, they presented plates filled with gems. रामायण में क्या आया है? What is mentioned in the Ramayana? रामायण में दिखाया है ना? It is shown in the Ramayana, isn't it? कि राम जब रावण को युद्ध करने के लिए चले सागर पार करने के लिए तो उन्होंने सागर का आवाहन किया. It is shown in the Ramayana, isn't it? When Ram went to cross the ocean to fight against Ravan, he invoked the deity of the ocean. और सागर नहीं आया. But the deity of the ocean did not come. तो उन्होंने बाण लेकर के उसको सुखा देने की युक्ति निकाली कि बाण नहीं आएगा तो सुखा दे. Therefore, he used the idea of drying it with his arrow, threatening him, "If you do not come, I will dry the ocean." जैसे ही उन्होंने बाण उठाया वैसे ही सागर प्रत्यक्ष हो गया. The moment he lifted his arrow, the deity of the ocean appeared. रत्नों की थालियां भर भर के आ गया. He came out with plates filled with gems. तो वास्तव में अभी तुम ज्ञान सागर से झोली भरते हो. Therefore, in reality, you fill your bag from the ocean of knowledge now. ये ज्ञान रत्न जिससे तुम झोली भर रहे हो. The gems of knowledge with which you are filling your bag. इन ज्ञान रत्नों से जो जितनी झोली भरेगा. The more someone fills his bag with these gems of knowledge. उतनी ही बाप को याद भी करेगा. He will also remember the father to that extent. कोई बच्चे बाप को याद नहीं करते. Some children don't remember the father. सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में से बह जाता है. The entire knowledge flows out of their intellect. धारणा फिर होती नहीं. Then they are unable to put it into practice. धारणा. बाप कहते हैं. The father says. उस ज्ञान की बातों को धारण भी करना है. You also have to put into practice these topics of knowledge.
67 की वाणी का तीसरा पेज, थर्ड पेज ऑफ द वाणी डेटेड 2010-68। सत्युग में तुम कितने साहूकार थे? यू वर सो प्रॉस्परस इन द गोल्डन एज। विश्व के मालिक थे? यू वर द मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। अथाह धन था? यू हैड अनलिमिटेड वेल्थ। कितने हीरे जवाहरात थे? यू हैड सो मेनी डायमंड्स एंड जेम्स। भक्ति मार्ग में ही सोमनाथ के मंदिर को कितना सजाया? पीपल डेकोरेटेड द सोमनाथ टेम्पल, दैट इज अ टेम्पल ऑफ शिव इन गुजरात, सो मच इन द पाथ ऑफ भक्ति इटसेल्फ। सोमनाथ का मंदिर कब बना? When was the temple of Somnath built? द्वापर के आदि में बना। It was built in the beginning of the Copper Age. तो जो द्वापर का आदि का मंदिर था वो ही कितना सजा सजाया और कितना आतिचार धन था, जो विदेशी उन्हें कितनी बार आक्रमण किया। So, the temple of the beginning of the Copper Age itself was so decorated and it had immense wealth that how many times did the foreigners attack it? Student said 17 times. 17 बार आक्रमण करके और ईंटों में, गाड़ियों में, घोड़ों में, खच्चरों में भर भर के ले गए। They attacked 17 times and carried away the wealth in the form of golden bricks by loading it on vehicles, on horses and mules. इतना अतिचार धन था। There was such an immense wealth. तो सतयुग में कितना अथाह धन होगा, जरा सोचो। सो जस्ट थिंक, देयर विल बी सच एन इमेंस वेल्थ इन द गोल्डन एज। बाप कहते हैं इतना सभी अथाह धन तुमने कहां गंवा दिया। द फादर सेज, वेयर डिड यू वेस्ट सच अनलिमिटेड वेल्थ। भक्ति मार्ग में सारा धन तुमने वेस्ट कर दिया, मंदिर बनाकर, दान पुण्य करके। यू वेस्टेड ऑल द वेल्थ इन द पाथ ऑफ भक्ति by building temples, by giving donations and performing noble deeds. Kitna musalman loot le gaye? The Muslims looted a lot. Kitna Christian loot le gaye? The Christians looted a lot. Bhakti marg mein tum to dhakka khate khate, dhan gawate gawate, ek dam khali ho gaye. By suffering blows and losing wealth in the path of bhakti, you became completely empty. To dekho, विदेशियों ने आकर के तुमको कंगाल बना दिया द्वापर युग से। सो लुक, द फॉरेनर्स केम एंड मेड यू पुअर फ्रॉम द कॉपर एज। और मैं आकर के तुमको साहूकार बनाता हूँ। एंड आई कम एंड मेक यू प्रॉस्परस। कहते हैं ये भारत सोने की चिड़िया थी। इट इज सेड दिस इंडिया वॉज अ गोल्डन बर्ड। कैसी चिड़िया? व्हाट काइंड ऑफ अ बर्ड? सोने की चिड़िया, जो कोई के हाथ में नहीं आती थी, कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता था। A golden bird which did not come in the hands of anyone, nobody could touch it. और आज तो? And then today? विदेशियों ने इसको अपनी मुट्ठी में कर लिया। The foreigners have taken it in their clutches. अभी बाप आकर तुमको solvent बना रहे। Now the father has come and is making you solvent. भारत 100% सॉल्वेंट। भारत वॉज 100% सॉल्वेंट। फिर अभी 100% इनसॉल्वेंट खोखला बन गया। एंड नाउ इट हैज बिकम 100% इनसॉल्वेंट एम्प्टी। अभी देखो भीख मांग रहे हैं। कौन? लुक, दे आर बेगिंग नाउ। हु? कौन भीख मांग रहे हैं? हु आर बेगिंग? भारत के नेता हैं, विदेशों से भीख नहीं मांगते पैसे की। Don't the Indian political leaders beg for money from the foreign countries? हैं? सहायता मांगते तब तो ये सड़कें बड़कें बन रही हैं। A student, help. Yes, they ask for help. Only then are these roads and highways being constructed. बिना भीख मांगे कहीं है, इतना धन आ रहा है। Is so much wealth coming without begging? चित्र में भी तुमने दिखाया है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। You have also shown it in the picture. There is nothing to be afraid in it. भारत बेगर तो बरोबर है। भारत is indeed a beggar. तुम बच्चों की ये स्मृति आई है, हम विश्व के मालिक थे। You children have gained this awareness. We were the masters of the world. बड़े साहूकार थे, अभी देखो भारत क्या बन गया। We were very prosperous. Look what Bharat has become now. धन बिगड़ तो सुख होता ही नहीं है।
देर इज नो हैप्पीनेस विदाउट वेल्थ एट ऑल। वेद का बाप ज्ञान का सागर तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते द अनलिमिटेड फादर द ओशन ऑफ नॉलेज गिव्स यू चिल्ड्रन द ट्रेजर ऑफ द इम्पेरिशेबल ज्वेल्स ऑफ नॉलेज। तो यहाँ बैठे बाप को भी याद करो और अपनी स्थापन होने वाली नई राजधानी को भी याद करो। Therefore, sitting here, remember the father as well as your new capital which is going to be established. कि तुम कितने साहूकार थे। Remember that you were so prosperous. हर एक चीज तुम्हारी राजधानी में नई। Everything in your capital was new. हीरे जवाहरातों की खानियां भरपूर थी। The mines of diamonds and gems were full. पांच तत्व भी वहां सत्व प्रधान होने के कारण तुम्हारे आर्डर में रहते थे। The five elements, because of being सत्व प्रधान, also used to remain under your control. अभी तो क्या हाल है? What is the condition now? कहीं खूब बरसात होती है। It rains a lot somewhere. कहीं बरसात का नाम निशान नहीं। And somewhere else, there is no name or trace of rain. कहीं इतनी गर्मी पड़ती है कि लोग मरने लगते हैं लू से। The weather is so hot in some places that people start dying due to the hot wind that blows. कहीं इतनी सर्दी पड़ती है कि सर्दी में ठंड के मर जाते हैं। Somewhere else, the weather is so cold that people shiver to death. तो पांच तत्व तो वहाँ तुम्हारे आर्डर में रहेंगे। So the five elements will remain under your control there. पांच तत्वों की ताकत नहीं है पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश की जो तुम्हारी इच्छा के बगैर हरकत कर सके। द फाइव एलिमेंट्स अर्थ वाटर एयर फायर एंड स्काई डू नॉट हैव द पावर टू एक्ट अगेंस्ट योर विश देयर। प्रकृति दास ही बन जाती है। नेचर बिकम्स योर सर्वेंट। कब बेकायदे गर्मी बेकायदे वर्षा आदि हो ही नहीं सकेगी। देयर विल नेवर बी एबनॉर्मल समर्स एंड एबनॉर्मल मॉनसून्स एटसेट्रा। नदियों की उथल पुथल भी वहाँ नहीं होगी। There won't be the flooding of the rivers there either. बेकायदे काम कोई भी होता नहीं। No abnormal event takes place there. दुख की वहाँ रिंचक भी बात नहीं होगी। There won't be any question of the slightest sorrow there. वहाँ थोड़ी अगरबत्तियों आदि की दरकार होगी। There won't be any need of agarbattis, that is incense sticks, etc. there. जो माहौल खराब हो जाए दुर्गंध युक्त हो जाए तो तुम्हें अगरबत्ती लगानी पड़े। सो दैट इफ द एटमोस्फियर इज स्पॉइल्ड इफ इट बिकम्स फुल ऑफ बैड ओडर यू नीड टू पुट द अगरबत्ती। वहाँ तो नेचुरल खुशबू रहती है। देर आर नेचुरल फ्रेग्रेंसेस देयर। बदबू वाली कोई चीज नई दुनिया में नहीं होती। देर इज नो सच थिंग इन द न्यू वर्ल्ड विच गिव्स आउट बैड ओडर। वहाँ नई दुनिया में तुम ये लकड़ियाँ आदि घास फूस आदि थोड़े जलाते। यू डू नॉट बर्न दीज फायर वुड ग्रास एंड स्ट्रॉ एटसेट्रा देयर इन द न्यू वर्ल्ड। जो धुआं हो जाए। सो दैट स्मोक इज क्रिएटेड। क्या कहा? व्हाट वाज सेड? है लकड़ी जलाने की जरूरत ही नहीं। अ स्टूडेंट फायरवुड विल नॉट बी बर्न्ड। There won't be the need to burn firewood at all. आग की जरूरत ही नहीं होगी। There won't be any need of fire at all. क्या? What? वहाँ आग ही नहीं होगी। There won't be fire over there at all. आग तो इस दुनिया में है। Fire is in this world. वहाँ तो नाम ही है स्वर्ग। There, the name itself is स्वर्ग। Heaven. Heaven. अभी तुम पढ़ रहे हो हेवन में जाने के लिए। नाउ यू आर स्टडिंग टू गो टू हेवन। जैसे अलिफ बे पढ़ाते हैं नीचे धरती पर बैठ पढ़ाते हैं ना। जस्ट एज अलफ एंड बे आर टॉट इट इज टॉट व्हाइल सिटिंग डाउन ऑन द फ्लोर इजंट इट। तो बाप भी देखो तुमको कैसे बैठ पढ़ाते हैं। सो लुक हाउ द फादर ऑल्सो सिट्स एंड टीचर्स यू। अच्छा ओम शांति। अच्छा ओम शांति।